रिसेंटली हुए रेड वर्सेस ब्लैक के फाइनल में हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की रेड टीम के साथ, और ये मेरी जो जीत थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि घर वाले वैसे भी क्रिकेट को इतना सपोर्ट नहीं करते किसी के, बट यहाँ पर मैंने फाइनल्स के अंदर मारे 67 रन्स एंड लिए 5 विकेट्स। तो ये कहना बहुत आसान है कि यार इसको कितना कम है यार, ये तो हम कोई भी मार लेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आज ही हम उस मैच के बारे में बात करेंगे एंड भाई यार इसकी हैप्पीनेस क्या हुई, क्योंकि मैं ये वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये मेरे संग मेमोरी हमेशा सेव रहे। एंड इस मैच को हुए आज 8 दिन हो चुके हैं, उसके बाद ये वीडियो बनना है क्योंकि कल से मेरे बोर्ड शुरू है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, उसको इन्जॉय करना। मेरे पास पूरे मैच की हाईलाइट तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ मुझे याद है मैं उस मैच में था और मैं वाइस कैप्टन हूँ अपनी रेड टीम का। एंड जैसे जैसे हम लोगों ने शुरू किया यार वो मैच, मतलब टॉस ब्लैक टीम ने जीता, उन्होंने डेली गई फील्डिंग, ठीक है, तो ये सही था क्योंकि हम भी यही चाह रहे थे कि हमको कैसे भी करके बैटिंग मिल जाए। बट फाइनल जब मैं और कन्हैया जो थे बैटिंग पे गए, और मेरे पास पहले से मुझे पता मेरी टीम ने दिया था कि तुझे एग्रेसिव नहीं खेलना है, तुझे आराम से खेलना है, स्ट्रोक मारने लॉफ्टेड बिल्कुल भी नहीं खेलना, सिर्फ ग्राउंडेड शॉट मारने हैं, वो भी सिंगल डबल, 200-300 ओवर से पहले तू रिस्क मत लेना। क्योंकि मेनली जो हमारा सेमीफाइनल था उसके अंदर मैंने 47 रन मारे थे एंड 4 विकेट लिए थे, तो इसके लिए शायद उन लोगों को लगता था कि इस मैच में कृष्णा का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सामने वाली टीम पूरी प्लानिंग करके आई थी मुझे कहाँ बॉल डालनी है, एंड पूरे उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे विकेट पर ही बॉल दी। एंड मेनली मैं भी फोकस कर रहा था कि जितने ज़्यादा विकेट पर आएगी उतना ज़्यादा मुझे रूम बनाकर सिक्स हिट करना है। एंड गाइज मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब कमेंटेटर सर ने बोला कि कृष्णा की 50 हो गई, तब यार वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास था। मतलब भोलेनाथ की कृपा थी उस वक्त 50 हो गई, मैं बिल्कुल भी रनों पर ध्यान नहीं दे रहा था, एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हुई मुझे। जब 50 हो चुकी थी मेरी, उसके बाद सब लोग से कह रहे थे बल्ला क्यों नहीं उठा रहा तू, तो मैं बल्ला क्यों नहीं उठा रहा था, बट सब मैंने उसके अगली गेंद पर 6 मारा था, वो मुझे अभी भी याद है, मैंने मन में आई थी कि वो मेरा सेलिब्रेशन है। और सौम्य जो भी बॉलर था उसने मुझे बहुत परेशान तो नहीं किया था पूरे मैच में, बट वो बॉल थी उसके अनप्लेएबल मान सकते हो तुम लोग एक तरीके से, यॉर्कर वो फुल टॉस को मैंने यॉर्कर बना लिया अपनी गलती से एंड हम मैं आउट हो गया। हाँ हमारी टीम ने 10 ओवर के अंदर मारे 139 रन, 140 का टारगेट था। जब हम लोग फील्डिंग करने उतरे ना गाइज, मतलब हमारी हवा एकदम टाइट कर दी ब्लैक टीम ने, क्योंकि उन्होंने मारे 2 ओवर में 46 रन, मतलब मुझ में और कन्हैया हम दो ही बॉलर थे टीम में, एंड हमारों बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दिया। मतलब भाई हमारी आस जो थी ना, ऑडियंस जितनी भी आई थी सब यही सोच रहे थे कि यार अब मैच गया हाँ से रेड टीम, क्योंकि ब्लैक टीम ऐसे खेल रही है। तभी गाइस वो बॉल जो थी वो खो जाती है, वहीं गाइस टर्निंग पॉइंट आता है कि मुझे मिलती है नई बॉल, और ओवर था मेरा, तो जब पहली बॉल ही नई बॉल की मैंने डाली थी उस पर ही राहुल का विकेट मिला, एंड वो मेरे हिसाब से मेनली कप्तान का विकेट नहीं था, वो पूरी की पूरी टीम का विकेट था। उसके बाद गाइस उसके बाद भी मैंने उस ओवर में 2 विकेट लिए, थोड़ी सी उम्मीद जगी थी रेड टीम वालों की, लेकिन अगले ही ओवर में शिवम ने कन्हैया में 5 छक्के मार दिए, मतलब एक ओवर के अंदर, मतलब समझ सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा बहुत एग्रेसिव खेले थे वो लोग। एंड अगला ओवर लेके मैंने लिए उसमें 3 विकेट, मतलब 2 विकेट ऐसे करके लिए थे मैंने, एंड फिर पूरी टीम की जो कि टॉप 4 आउट हुआ था जिसने मुझे आउट किया, मैंने भी उसे और कर मार के आउट किया था, उसके बाद वहाँ पर ही मैच जो था वो ख़त्म हो चुका था। एग्रेसिव बचाने का 98 पर पूरी ब्लैक टीम ऑल आउट हो गई, मतलब वो मोमेंट जब वहाँ बोला ना कि आज के मैन ऑफ द मैच कृष्णा मिश्रा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, मेरे हिसाब से वो था मेरी ज़िंदगी का यार अभी तक का टॉप मोमेंट यार, क्योंकि ना सिर्फ इस हिसाब से तुम लोग कह सकते हो यार कि मतलब तू कृष्णा ज़्यादा फेंक रहा है ये कर रहा है, भाई नहीं यार, तुम अगर तुम लोग क्रिकेट खेलते हो तुमको पता होगा, अगर कहीं भूल जाए ना कि भाई तुम मैन ऑफ द मैच और तुमने इतने विकेट लिए, और तुमको एक सम्मान देने के लिए कोई डेडिकेटेड गेस्ट आए, भाई तुम्हारी फीलिंग अजब ही होगी, मेरी तो गजब फीलिंग थी उस वक्त। एंड मिथिलेश मैम ने मुझे यहाँ पर डेडिकेटेड गिफ्ट दी, मतलब वो मैन ऑफ द मैच दिया था, गिफ्ट तो नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त भाई अभी तक जो एरिए में मेरी इज्जत है ना गाइस वो थोड़ी बढ़ गई उसके बाद, क्योंकि सभी लोग जो भी आ रहे हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं तू इतना अच्छा कैसे खेल लिया, और सभी ने जो कि मेरे पापा भी कहते थे इतना क्रिकेट क्यों खेलता है उधर, तो उसके बाद ये भी बात हो गई कि सब लोग आकर ये कहने लगे कि इसको अकेडमी भेजो, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेगा, अभी तो ये बस शुरुआत है। तो मतलब एक तरीके से पढ़ाई का जो प्रेशर मुझे भी डाला जाता था, प्रेशर तो नहीं कहूँ, मतलब सही डालते थे माँ बाप, क्योंकि क्रिकेट जैसे मतलब इतने ज़्यादा लोगों में तुम्हारा फोकस कोई नहीं देखता है, बट उस जीत के बाद पापा मेरे से खुद कहते हैं कि इंटर कर ले उसके बाद तू खुद क्रिकेट खेल सकता है,
मतलब मेरे पास खुली छूट है यूट्यूब और क्रिकेट की। मैंने यूट्यूब बीच में इसलिए भी थोड़ा छोड़ दिया था कि पढ़ाई का प्रेशर था, क्रिकेट में तीन चीज़ें मेंटेन एक साथ नहीं कर पाता था। मैं आज भी पढ़ाई उतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने यूट्यूब को छोड़ा। बट फाइनल अभी जो बोर्ड्स आ जाएंगे यानी कि 4 मार्च के बाद तुम्हारा कृष्णा अब बैक होने वाला है एंड वो रोज आने वाला है। जी हाँ, पहले वाला एक तरीके से बैक कर देंगे, चिंता मत करो। बट आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। उतना आप लोगों के लिए कुछ था नहीं इस वीडियो में, मुझे पता है, बट यार जो भी था यार मेरे लिए तो आपको पसंद आना चाहिए ना। किसी की खुशी के संग जुड़ तो सकते हो ना यार, इसमें कोई दुखी वाली बात नहीं थी। एंड एक लाइक यार मेरी टीम के लिए कर देना, मेरे लिए मत करना, मेरी टीम के लिए कर देना, क्योंकि वहाँ पर मेरे हिसाब से मेरी टीम अगर मेरे साथ नहीं होती तो हम मैच हार जाते। सभी टीम मेंबर्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 11-12 जितने भी थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन लोगों की वजह से ही मेरे हिसाब से मैं मैच जीता था। मुझे सर मेरे कैप्टन शिवम, उसने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, उसने कहा था मैं कप्तान नहीं हूँ, सब तुम कप्तानी करो। वो मेरे हिसाब से बेस्ट टीम एवर है। एंड अभी भी जून में जब टूर्नामेंट फिर से शुरू होगा उस वक्त मैं लेके आऊँगा आपके लिए शायद पूरी हाईलाइट, चिंता मत करो, आप सभी को देखने को मिलेगी। बट अभी जान दो भाई, बाय कर दो, क्योंकि यार 6 मिनट का वीडियो हो चुका है, अभी पढ़ना भी है, संडे है, पता नहीं क्यों पढ़ूंगा मैं, क्योंकि हिंदी का पेपर है कल। तो कोई सुझाव हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं मैं इस वीडियो को एडिट कैसे करूँगा क्योंकि मैं 6 मिनट बोल तो गया बट मेरे पास फोटोज़ भी नहीं है। लाइक सी, जय भोलेनाथ। प्लेयर्स इधर उधर बात आ करें, खड़े रहे पीछे। ब्लैक टीम रेड टीम दोनों पीछे खड़े हो जाए, बाकी ये लोग जितने खड़े हैं सब चेयर्स पे बैठ जाए। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मैन ऑफ द मैच को उनकी ट्रॉफी दें। मैडम तो भाई कृष्ण मिश्रा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आंटी बढ़िया खेले इधर ना कोई साहब। आंटी ये रेस्ट ले लो, पार्टनर दे दो।